हाई everyone, welcome वेलकम टू B. I आई एम शिवानी चौहान ये केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ रीजन का क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा सोल्यूशन हम इसका देखने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा ज़रूर ज्वाइन करिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला वो है आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पर तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन है विच मैक्रोन्यूट्रियट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट क्वान्टिटी बाय प्लांट तो इसका आंसर है नाइट्रोजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डस नॉट डिस्क्राइब अ कंपाउंड तो भाई कंपाउंड जो है वो कम्बाइंड होता है फिक्सड रेशियो बाई मास में इसमें है एनी प्रपोर्शन नहीं वो फिक्स रेशियो बाई मास में होता है एक प्योर सब्सटेंस होता है कम्पोज होता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल करके और कैन नाट बी सेपरेटेड इन टू कॉन्स्टिट्यूंट्स फिजिकल मीन्स तो ये सारी के सारी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है फिर से कि फिजिकल चेंज के बारे में गलत क्या है वो परमानेंट और इरिवर्सिबल नहीं होता है रिवर्स किया जा सकता है फिजिकल चेंज परमानेंट नहीं होता है इसमें कोई भी लॉस और एनर्जी का गेन नहीं होता है कॉम्पोजिशन जो है सब्सटेंस की सेम रहती है कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल चेंज की इसमें इनकरेक्ट पूछा था इसलिए बी वाला ऑप्शन हो जाएगा मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ फिश को हम क्या बोलते हैं पिसी कल्चर बोलते हैं और सेरिकल्चर क्या होता है एक्वा कल्चर एपीकल्चर आप लोग बताइए जरूर से कमेंट बॉक्स में साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है अब इनके भी एग्जाम्पल बताइए आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है ट्रांसवर्स वेव क्या होती है इनके एग्जाम्पल ज़रूर से दीजिएगा सम ऑफ द कानेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है तो देखो कार्टिल इनकरेक्ट जो है वो हमारे पास बी वाला है बाकी सारे करेक्ट हैं बस एक मिस्टेक इसमें है कि ब्लड हैज़ अट्रिक कंटेनिंग प्रोटीन सॉल्ट एंड हार्मोन इन्होंने लिगामेंट लिखा हुआ है तो इसलिए ये वाला भी गलत है बट एक्चुअली में जो पूरा गलत लिखा है वो बी लिखा हुआ है तो ब्लड क्या होता है ब्लड एक मेट्रिक्स होता है प्रोटीन का सॉल्ट का और हॉर्मोन्स का दिस इज इंपॉर्टेंट आपके एम में आ सकता है टू बोन्स का कनेक्टेड दो बोन्स किससे कनेक्टेड होती हैं लीगामेंट से बोन्स कनेक्टेड होती हैं और टेंडन्स क्या होते हैं टेंडन्स इज कम्पोज ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और इसमें लिखा है नॉन फाइब्रस और फ्रजाइल होता है ये गलत है तो हम लोग आंसर्स भी देख रहे हैं चीज़ों के और ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि ये ऑप्शन की फॉर्म में आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो ऑप्शन हैं अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं तो इसको भी ध्यान से पढ़िए कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू होता है ये सही बात है तो हमने ये सारी चीजें देख ली इनकरेक्ट पूछा था तो बी वाला इनकरेक्ट है उसका सही आंसर कि करेक्ट ये कैसे होगा ये भी हाँ पे मैंने लिख दिया है अब आप बताओ जरा के एल एम इसमें कितने इन शेल्स में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो टू एट एट इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बोर के मॉडल के अकॉर्डिंग तो इसमें कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं है तो ये देखो सी वाला इसमें इन्होंने क्या कर रखा है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सात वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसमें अच्छा करेक्ट हाँ इसमें ये वाला देखो वन टू थ्री फोर फाइव वाला इन करेक्ट हो गया है ना और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये तो ठीक है बट देखो अंदर वाले इन्होंने चार दिखा दिए हैं इसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इन्होंने नौ दिखा दिए हैं है ना ये वाला गलत है फोर्थ वाला और और कौन सा गलत है सेकंड वाला गलत है तो सेकंड और फोर्थ गलत है और फर्स्ट और थर्ड वाला ठीक है तो हम मैंने एक्चुअल में चेक किया किया कि भाई इन्होंने के शेल में दो दिखा रखे हैं तो ठीक है एल में आठ दिखा रखे हैं ठीक है और अगर इससे ज़्यादा दिखा रखें तो भाई गलत है तो इसलिए सेकेंड वाला और फोर्थ वाला अपना गलत है हु डिस्कवर्ड सेल तो रॉबर्ट हो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है तो रट लेना अब जरा मुझे बताना कि ये ए डब्ल्यू इलेवन हो किसने क्या किया था ये बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ये वाला बहुत आता है एग्जाम में कि भाई इन प्लांट्स कौन सा टिश्यू कंडक्ट करता है फूड और वाटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू दी अदर तो भाई देखो वस्क्यूलर टिश्यू होता है वस्क्यूलर टिश्यू ये याद रखना है और जाइलम का क्या काम होता है वाटर और मिनरल ले जाना फ्लोम का काम होता है फूड ट्रांसपोर्ट करना इधर छोटा सा न्यूमेरिकल है अब बॉडी हैविंग वेट थर्टी सिक्स के जी ऑन अर्थ ये भी बहुत मैंने इतने सारे साइंस के पेपर सॉल्व किए इतने सारे पेपर्स देखे ये क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है कि भाई मून पे आपका वेट कितना होगा तो जितना भी आपका अर्थ पे वेट है ना उसको आप लोग सिक्स से डिवाइड कर लो और आपका वेट मून पे आ जाएगा तो बॉय हैविंग वेट ऑफ थर्टी सिक्स के जी ऑन अर्थ वुड वेट थर्टी सिक्स यानी कि छः किलो उसका वेट अर्थ पे हो जाएगा तो अगर आपका कोई कहे ना कि वेट बहुत ज़्यादा है तो अर्थ पे तो है मून पे तो बहुत कम है ऐसा बोल सकते हो

Uh, अब ये वाला देखो अ गोल कीपर इन अ फुटबॉल गेम पुल्स हिट हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल क्यों ऐसा क्यों करता है बैकवर्ड क्यों करता है इसका आंसर है कि उसका डिक्रीज हो जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बाय पुलिंग हैंड बैक ही इंक्रीजेस टाइम टू होल्ड द बॉल बाय इंक्रीजिंग टाइम उसकी फोर्स कम लगती है इस पर इम्पोर्टेंट बहुत पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है एग प्रोडक्शन होता है और चिकन का मीट प्रोडक्शन होता है अब ऑश्चन रीजन वाले क्वेश्चन है वही पेरनकाइमा सेल हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड तो हाँ फूड भी फोटोसिंथेसिस भी सेक्रीशन भी और भी काफ़ी सारे काम ये करता है पेरनकाइमा सेल आर मेन सीड्स ऑफ फोटो तो बिल्कुल सही बात है तो बोथ ए एंड ए एन आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एटीन क्वेश्चन है शुगर एंड सॉल्ट बोथ आर बल इन वाटर बिल्कुल सही बात है शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड हैंड इट इज इज डिजॉल्व इन वाटर सही तो बात है बट कोई एक्सप्लेनेशन थोड़ा ही ना है ये है ना तो इसलिए बी दोनों ट्रू हैं बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए नेक्स्ट देखिए इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो देन एक्लेशन इज जीरो बिल्कुल सही बात है

मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लेजेबल होता है बिल्कुल सही बात है तो असोशन और इसका ही रीजन है क्यों क्योंकि एक जो एटम होता है उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास नेग्लेजेबल होता है इसलिए मास नंबर क्या होता है किसी का वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा If you apply नेट फोर्स ऑफ थ्री न्यूटन ऑन वन के जी बॉक्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स क्या होगी सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो एजिकल्स टू एम एफिकल्स टू एम ए लग जाएगा तो फोर्स थ्री न्यूटन की है मास वन के जी का है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी एफ अपॉन एम यानी कि फोर्स अपॉन मास थ्री अपॉन वन यानी कि थ्री मीटर पर स्क्वायर सॉरी थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू है इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए इफ़ एटोमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज फिफ्टीन एंड मास नंबर इज़ थर्टी वन फाइंड आउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो देखो सिंपल सा होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं मास नंबर माइनस अटोमिक नंबर तो थर्टी वन माइनस फिफ्टीन यानी कि सिक्सटीन सिक्सटीन आंसर हो जाएगा क्योंकि मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है अटोमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरीके से फॉर्मू लगा क्या के आंसर आप निकाल लोगे क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री है हमारे पास कि वाई डू वी सी ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फिस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर तो इसका आंसर है वाटर वेपर इन एयर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद क्लोज सर्फिस ऑफ ग्लास लूज एनर्जी एंड कन्वर्ट इन टू वॉटर ड्रॉपलेट तो वो एनर्जी लूज कर देते हैं और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल भाई टेन साइलेंस देता है प्रोटेक्शन करता है मैकेनिकल एंड ऑस्मोटिक स्ट्रेस से बॉल इज थ्रोन अपवर्ड बॉल को आपने ऊपर की तरफ उछाला विलोसिटी थी उसकी हंड्रेड मीटर पर सेकेंड टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड तो यू हो गए आपके हंड्रेड मीटर पर सेकेंड जी की वैल्यू माइनस टेन क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना और वी ऊपर आकर के उसकी विलोसिटी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी तो वी ज़ीरो हो जाएगा आप फॉमूला लगाएंगे वी इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी या फिर ए टी और आपका टाइम आ जाएगा टेन सेकेंड जब आप इस तरीके से सॉल्व इसको कर लोगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इफ द स्मॉल एंड बिग स्टोन्स आर ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ हाउस साइमल्टेनियसली दे विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम क्यों आपने एक मोटा सा पत्थर डाला और एक छोटा सा पत्थर बट दोनों पत्थर सेम टाइम पर ही जमीन पर पहुंचेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी दिस इज इम्पॉर्टेंट राइट डाउन द फॉर्मूला एफ फेरासल्फेट एफ एसओ फोर सोडियम क्लोराइड एन और सल्फ्यूरिक एसिड एच इसका फॉर्मूला हमारा होता है अब बताओ भाई एक्सेलरेशन क्या होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये एक्सेलरेशन होता है अब क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है एक हमारे पास ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन यानी कि यू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा एंड मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन उसकी स्पीड v हो जाएगी फोर्टी किलोमीटर पर आवर और टाइम हो जाएगा टेन मिनट तो एक्सेलेशन क्या है तो कौन सा फॉर्मूला आप लोग लगाओगे v इज इक्ल्स टू यू प्लस एटी आप लोग लगा दोगे v आपके पास है फोर्टी u है जीरो a कितना है a निकालना है और टाइम है हमारे पास टेन तो टेन क्योंकि ये मिनट में बाकी सब किलोमीटर पर आ रहा है तो यानी कि आप इसको सेकंड में चेंज करोगे तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई करके सिक्स हंड्रेड आ जाएगा और फिर यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट कर दोगे ना तो एक्सेलेशन आपकी ये आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो राइट एनी थ्री डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल हर बार एग्जाम में आता है भाई हर बार आता है कुछ करके जाना करके जाओ बायो में ये जरूर करके जाना जरूरी आना है पेपर में तो भाई डिफरेंस आप लोग कर सकते हो कि भाई सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट सेल में ये सब डिफरेंस बुक में साफ साफ दिए हुए आप लोग देख लेना थर्टी है देखो सपोज यू एंड योर फ्रेंड ऑन मून तो आपका वेट एक छठा हो जाएगा है ना बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एक दूसरे की आवाज़ आएगी नहीं आएगी क्योंकि मून पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है ये याद रखना फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्सेज साउंड हंड्रेड हर्ट्स है हाउ मेनी टाइम्स डेट इज वाइब्रेट इन अ मिनट तो भाई 600 सौ सॉरी सिक्स थाउजेंड टाइम्स वो वाइब्रेट होगा एक मिनट में क्योंकि आप इसको हंड्रेड को सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दोगे क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है नेम द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट टू बोन्स तो इस स्टार्टिंग में भी आया था ना कि भाई लिगामेंट कनेक्ट करते हैं टू बोन्स को तो लिगामेंट आंसर हो गया ये हो गया अपना मेंशन वन रीजन इन द ह्यूमन बॉडी वेयर एडिपोज टिश्यू इज प्रेजेंट एन द स्टेट वन फंक्शन ऑफ द टिश्यू एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है स्किन के अंदर होता है हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी होता है फंक्शन क्या होता है एनर्जी को स्टोर करना हार्मोन को प्रोडक्ट करना मतलब हॉर्मोन बनाना ये सारे के सारे काम एडिपोज टिश्यू के होते हैं विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार एग्जाम में आता है तो भाई सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि ये सॉलिडिफाई हो जाती है जब जब इसको सॉलिड बनती है ना कार्बन डाइऑक्साइड तो धुएं से छोड़ती है ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ है इसलिए इसको हम लोग ड्राई आइस कहते हैं हाउ डज वेपराइजेशन डिफर फ्राम बॉइलिंग तो देखो वेपराइजेशन सरफेस फिनोमिना होता है आप लोगों से पूछे ना कि वेपराइजेशन क्या होता है इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना क्या होता है ये पूरे के पूरे लिक्विड को कवर कर लेता है इट कवर्स लार्ज मास ऑफ लिक्विड और यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्वेश्चन बताना नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव मोस्ट बेनिफिट इनमें से कौन सी कंडीशन ज्यादा बेनिफिट देगी और क्यों तो फार्मर्स हाई क्वालिटी के मतलब सीड यूज करें इरिगेशन को अडॉप्ट करें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें और क्रॉप प्रोटेक्शन मेजर्स का इस्तेमाल करें तो फार्मर्स को फायदा होगा क्योंकि देखो अच्छी क्वालिटी के सीड होंगे तो फसल ज़्यादा अच्छी हो इरिगेशन भी ठीक मात्रा में दिया जाएगा तो फसल को फ़ायदा होता है फर्टिलाइजर ठीक ठीक मात्रा में इस्तेमाल करें और टॉप को आप ध्यान से रखें तो आपकी फसल बेहतर हो जाएगी इस तरीके से आप लिखेंगे डी देखो कि डिफाइन वन जूल ऑफ कैनेडिक एनर्जी तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ वन न्यूटन एक्टिंग ओवर डिस्टेंस ऑफ वन मीटर ये हो गया अपना अब देखो नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल ये देखते हैं बॉल ऑफ मास टू के जी इज थ्रोन अप विद द स्पीड ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड तो मास है कितना टू के जी स्पीड है टेन मीटर पर सेकेंड फाइंड द कानेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द टाइम ऑफ थ्रो तो जिस टाइम आप बॉल को थ्रो कर रहे हो उस टाइम बॉल में कितनी काइनेटिक एनर्जी है तो सिंपल सत देखो कानेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लगा देंगे कि इजिकल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर और हंड्रेड जूल आंसर आ जाएगा हाईस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम होती है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी हंड्रेड जूल हो गया अपना ठीक है नेक्स्ट देखते हैं वनजूल को डिफाइन करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन फोर्स ऑफ वन न्यूट्रन अ बॉडी वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड तो ये वनजूल ऑफ वर्क हो जाएगा न्यूमारिकल दे रखा है कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉक्स वेंग 150 फिफ्टी के जी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ सेवन मीटर तो वर्क डन इज टू एम डी एच आ जाएगा वन फिफ्टी इंटू टेन इंटू सेवन यानी कि टेन थाउजेंड फाइव हंड्रेड जूला हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव है इफ़ के एंड एल शेल ऑफ द एटम आर फुल के और एल फुल है देन वट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम तो हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन ये बताना है तो भाई देखो के और एल शेल फुल है तो टू और एट यानी कि दस होंगे उसमें टोटल Yup. अब आप क्लोरीन की सल्फर की और मैग्नीशियम की वैलेंसी कैसे निकालोगे तो देखो वैलेंसी निकालने के लिए आप लोगों को आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देखने होते हैं तो क्लोरीन क्लोरीन की क्या होगी आउटर मोस्ट शेल में छः इलेक्ट्रॉन्स हैं तो टू और फोर है ना तो छः है इसमें तो आठ में से माइनस कर देंगे छः को तो यानी कि क्लोरीन की वैलेंसी टू आएगी क्लोरीन है सेवन इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल विच इज ग्रेटर देन फोर सो वैलेंसी इस तरीके से आपने पास निकल आती है न्यूरोन क्या होता है बिल्डिंग ब्लॉक होता है नर्वस सिस्टम का रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी न्यूरोन का स्ट्रक्चर बना देना अब आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन टाइप वाले जो इंग्लिश टाइप वाले क्वेश्चन साइंस और बाकी सब में आने लगे हैं सिस्टी वैसिटी में वो देखते हैं प्लाज्मा मेमब्रेन किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर आपका देखो प्लाज्मा मेब्रेन इज फ्लेक्सीबल एंड इज मेडअप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल लिपिड्स एंड प्रोटीन तो लिपड्स और प्रोटीन की बनी होती है सब्सटेंस को सेलुलर वेस्ट किसको कहा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय सेल तो कार्बन डाइऑक्साइड अब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इसको क्या कहते हैं इसको हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं तो यहाँ पे है देखो सी ओ टू मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसनट्रेशन रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेलेक्टिवली पर्मिबल मेबरीन वाला जो होता है बहुत प्रोसेस होता है तो तीनों क्वेश्चन अपने हो गए नेक्स्ट देखो केमिस्ट्री uh, से रिलेटेड अपने पास uh, है इसमें हमें uh, बताना है पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्सिस फिफ्टीन एंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स उसमें सिक्सटीन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट तो देखो ये वाली जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी एटॉमिक नंबर क्योंकि फिफ्टीन uh, है तो मास नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन यानी कि फिफ्टीन प्लस सिक्सटीन थर्टी वन तो मास नंबर ऊपर आ जाएगा एटॉमिक नंबर नीचे आ जाएगा ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन सी टू प्लस तो एटॉमिक नंबर का, सॉरी uh, कैल्शियम का ट्वेंटी होता है प्रोटोन भी इसमें ट्वेंटी होंगे तो भाई दो इलेक्ट्रॉन इसमें लूज कर देंगे तो एटीन आ जाएगा तो प्रोटॉन ट्वेंटी हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन इसमें सी ए टू प्लस में एटीन हो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी फिल्ड इन द थर्ड शेल ऑफ एटम इसको हम लोग एटीन इसका आंसर होता है थर्ड शेल में अठारह सकते हैं मैक्सिमम ये देखो ना यहाँ पर एटीन थर्ड ऑर्बिट और एम शेल में एटीन आ सकते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन तो मैग्नीशियम में तो मैग्नीशियम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे होते हैं हम ये वाला हो गया अब हम लोग थर्टी नाइन आपका लास्ट जो है देख लेते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले यूनिट ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो भाई हमें याद है मीटर पर सेकंड स्क्वायर डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ये भी पता ही होता है कि भाई ऑलवेज टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ हमारा होता है ये तो हमने ग्रेविटी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाई है किसकी सेम यूनिट होती है ये भी पता है कि भाई मास और वेट की सेम यूनिट होती है वैसे आप यहाँ से भी आंसर्स देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विच इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड द अर्थ वेट इज़ अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो ये वाला क्वेश्चन है कि भाई वेदर वेट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वैक्टर क्वान्टिटी तो देखो वेट फोर्स है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और इसकी बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती हैं वो क्या होती है वो हमारी वैक्टर क्वांटिटी होती है उसकी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने देख लिए पूरा क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कर लिया वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू